एक मई को महाराष्ट्र में ग्राम सभाएं होती है। इस ग्राम सभा में किसान दो रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। एक, किसानों को दिन में बिजली मिलनी चाहिए और वो 10 घंटे मिलनी चाहिए, और दूसरा रेजोल्यूशन इस देश के किसानों की मांग है कि हमें MSP का कानून चाहिए, जिस तरह से असंगठित मजदूरों के लिए मिनिमम वेज एक्ट है, उसी तरह से किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्ट होना चाहिए। यानी कि किसी को भी किसानों की फसल MSP से कम दाम में खरीदने का कोई अधिकार ना रहे, और खरीदने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ सख्ती से कानूनन कार्रवाई होगी। ये मांग हम कर रहे हैं, और ये रेजोल्यूशन लेकर हम 6 महीने के बाद राष्ट्रपति जी को मिलेंगे और मांग करेंगे। पूरे देश के हजारों गांव सभाओं ने रेजोल्यूशन पास करवा कर MSP गारंटी कानून की मांग की है। आप सरकार को आदेश दीजिए और संसद में ये कानून पारित करने के लिए आदेश देने के लिए हम उनको विनती करेंगे। सर, आने वाले कुछ दिनों में महानगर पालिका है, औरंगाबाद जिला परिषद पंचायत समिति और महापालिका में भी स्वाभिमानी पार्टी और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन अकेली चुनाव लड़ेगी और मजबूती के साथ लड़ेगी। हम जिनके हाथ साफ सुथरे हैं, जो समाज को अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं और जिनकी छवि बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों को हम कैंडिडेट देंगे, उम्मीदवार खड़ा करेंगे और लोगों से चंदा लेकर उनको चुनके लाएंगे। आप जो तो घटक पक्ष में अभी आपने कहा बात कि हम जो तो सोच रहे बोले MIM के बारे में बोले आपने कि हम खुद नहीं रहना चाहते, हम बाहर निकलना चाहते, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आज महाराष्ट्र में MIM महाविकास आघाड़ी में होना चाहिए या नहीं चाहिए इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन जिस महाविकास आघाड़ी में हम है, स्वाभिमानी किसान संगठन है, हम विचार कर रहे हैं कि इसका समर्थन जाए। MIM के बारे में बोले आपने कि हम खुद नहीं रहना चाहते, हम बाहर निकलना चाहते, सर उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, आज महाराष्ट्र में MIM महाविकास आघाड़ी में होना चाहिए या नहीं चाहिए इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन जिस महाविकास आघाड़ी में हम है, स्वाभिमानी किसान संगठन है, हम विचार कर रहे हैं कि इसका समर्थन जारी रखना है या नहीं है इसके बारे में हम स्टेट काउंसिल की जनरल मीटिंग 5 अप्रैल को कोल्हापुर में बुलाई है, उसमें हम तय करेंगे। अगर हमारा ही अभी तय नहीं है कि रहना है या नहीं है, तो बाकी लोग इसको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इसके बारे में हम अपनी राय कैसे दे सकते हैं? क्योंकि पिछले 2.5 सालों में महाविकास आघाड़ी ने जो फैसले लिए है वो खास करके किसानों के खिलाफ है। भूमि अधिग्रहण कानून जो था उसको तोड़ मरोड़ कर उन्होंने जो अमेंडमेंट किया है उसमें किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस भूमि अधिग्रहण कानून में अमेंडमेंट लाने की कोशिश की थी, संशोधन करने की कोशिश की थी, उस वक्त कांग्रेस, NCP और शिवसेना ने उसका कड़ा विरोध किया था, और यही 3 ही पार्टियां आज महाराष्ट्र में इसका जो संशोधन मोदी जी ने किया था उससे भी बेहद नुकसान करने वाली संशोधन उन्होंने किया है। तो इसका मतलब क्या है? इनकी भाषा दिल्ली में एक अलग है, गली में एक अलग है। उसी तरह से किसान गन्ना उत्पादक किसानों को जो FRP मिलती है उसके भी 2 टुकड़े करने का फैसला महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया है। उनको अधिकार नहीं है, फिर भी वो इस तरह से फैसला अमेंडमेंट करके उन्होंने एक JR निकला है। तो ये सब किसान विरोधी नीति है। जब जुलाई में महाराष्ट्र में बाढ़ आई थी, सितंबर अक्टूबर में बारिश हुआ था, किसानों का बेहद नुकसान हुआ,
उस वक्त किसानों को इन्होंने कुछ भी मदद नहीं की। सर, एक तरफ संजय राउत ये बता रहे हैं कि भाई हमारी युति हमारी जो तो सब पक्का है, सारा मामला चल रहा है, आप जैसे घटक पक्ष अगर निकलते सर एक एक करके तो सरकार कैसे चलेगी? सर, संजय राउत भी बार बार यही कहते हैं कि हमारी सरकार तीन पार्टियों की सरकार है, तो उनको तीन पार्टियों की सरकार बनाने दो, हमारा क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है।